इस न्यूज के प्रायोजक है। डॉक्टर अनुष्का विधि महाविद्यालय कानून के क्षेत्र में अपना मुकाम बनाए, प्रताप नगर, ट्रांसपोर्ट नगर, एयरपोर्ट रोड, उदयपुर। उदयपुर में यातायात नियमों की पालना के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत 1 अक्टूबर से पुलिस सख्त रवैया अपनाएगी। अब तक उदयपुर शहर में पुलिस ने यातायात नियमों की पालना करवाने के लिए लोगों को फूल और चॉकलेट देकर आग्रह किया, लेकिन अब जिला पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा ने स्पष्ट किया है कि 1 अक्टूबर से नियमों की सख्ती से पालना करवाने के संबंध में हर चौराहे पर चालान काटे जाएंगे। उन्होंने कहा कि चालान से बचने के लिए नहीं, जान बचाने के लिए हेलमेट पहने और सीट बेल्ट लगाएं। साथ ही उन्होंने साफ किया है कि अभियान के दौरान किसी की भी सिफारिश काम नहीं आएगी और सभी को यातायात के नियमों की पालना करनी पड़ेगी। एसपी विकास कुमार ने कहा कि उदयपुर को स्मार्ट सिटी के साथ अब सेफ्टी सिटी भी बनना होगा। देखिए, ट्रैफिक पुलिस और उदयपुर पुलिस के द्वारा अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें हमारा उद्देश्य है कि लोगों को हम जागरूक करें कि जो ट्रैफिक के नियम हैं वो आपकी सुरक्षा के लिए हैं, आप उनका पालन करें, उससे आप ही सुरक्षित रहेंगे। इसी क्रम में अभी तक संदेश का दौर चला है और इस चॉकलेट देने के माध्यम से, फूल देने के माध्यम से, स्कूल्स के माध्यम से, एनजीओस के माध्यम से हमने काफ़ी लोगों से समझाइश की है। 40,000 के आसपास लोगों से हम लोग टच हुए हैं और यही पर्पज़ हमने रखा है कि आप लोग इस अभियान का केंद्र बिंदु हैं और आप लोग इसकी सुरक्षा के लिए ही अभियान चलाया जा रहा है। ये दौर 30 तारीख तक चलेगा, जिसमें हमारी सभी यूनिट्स समझाइश कर रही हैं कि ट्रैफिक नियमों का पालन आपकी सुरक्षा के लिए, और 1 तारीख से नियम का पालन न करने के जो लोग हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो लाइफ सेविंग चीज़ें हैं, जैसे हेलमेट पहनना, सीट बेल्ट लगाना, नशे में वाहन न चलाना, इन सब चीज़ों के ऊपर फोकस किया जाएगा। उदयपुर में अनफॉर्चुनेटली जो असमय ऐसी मौतें हुई हैं एक्सीडेंट के कारण, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है और उनको फोकस करके, उनके ऊपर टारगेट करके इस अभियान को चलाया जा रहा है। सर, पुलिस वाले तो कार्रवाई करते भी, लेकिन उस दौरान किसी मिलने वाले के फ़ोन पर बात करवा देते हैं, जैसे पत्रकारों को पकड़ते हैं, पत्रकारों से बात करवा देते हैं, पुलिस वालों को पकड़ते तो किसी बड़े अफसर से बात करवा देते, राजनेता वाले के मिलने वाले से पकड़ते तो वो राजनीति में बात करवा देते, वैसे में किस तरह की कार्रवाई की जाएगी? देखिए, इसमें बिल्कुल नो टॉलरेंस रहेगी, जीरो टॉलरेंस रहेगी, क्योंकि ज़िंदगी वो किसी फ़ोन कॉल से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। किसी की यदि ज़िंदगी को हम बचा सकते हैं, यदि उनको अवेयर कर सकते हैं, तो हम उसके ऊपर फोकस करेंगे बजाय कि इन चीज़ों के ऊपर। और मेरी आप सबके मार्फत सभी से अपील है कि इस अभियान में हमारा साथ दें और इस तरह की किसी चीज़ को जिससे कोई व्यक्ति बच के निकल सकता है उसको एनकरेज करने में हम उसी का नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि कल को उसके साथ कोई ऐसी घटना हो सकती है यदि वो इन नियमों का पालन ना करे।